एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट हेयर। कैसे हैं आप सब? तो कल आप लोगों ने मेरी वीडियो को काफ़ी देखा और काफ़ी अच्छा लगा वो वीडियो, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आज मैं उन्हीं से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन आंसर की वीडियो बनाई है मैंने, कि आधा हो जाता है कि मैं आपको थोड़े थोड़े में जवाब दे पाती हूँ, क्लियर से नहीं हो पाता। तो इसलिए मैं चाहती कोई ऐसे प्रोडक्ट होते बहुत हार्ड होते हैं जिनसे हमारी स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है, हमारा हेयर फॉल हो सकता है, तो मैं चाहती थी कि इसके लिए आपके साथ शेयर करूँ कि मैम रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग और स्ट्रेटनिंग में क्या फ़र्क है। तो काफ़ी डिफरेंस है इसमें और मैं नाम भी बताऊंगी जो जो मेरी अपनी सब्सक्राइबर है। तो वैसे तो और सभी सब्सक्राइबर के लिए बहुत बहुत थैंक यू। वो भी हैं मेरे सब्सक्राइबर जिन्होंने मुझसे सवाल किए थे, तो उनके भी मैं नाम के साथ करूंगी, लेकिन कुछ नाराज मत होना क्योंकि बहुत सारे होते हैं और सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। और सवाल मैं लेती हूँ पहले कि रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग और कैरेटिन में क्या फ़र्क है, ये है सवाल प्रीति सिंह का। तो प्रीति सिंह, क्या फ़र्क है रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग और स्मूथनिंग में? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। रिबॉन्डिंग में हमें 90-80% रिज़ल्ट मिलता है, जैसे कि आप चाहते हैं कि बिल्कुल फ्लैट लुक हो, पेंसिल जैसा जो बालों में हमें चाहिए, तो ये होती है रिबॉन्डिंग जो हमें बिल्कुल फ्लैट लुक देती है बालों में। लेकिन आप वहीं पर चाहेंगे कि मैं स्मूथनिंग करा लूँ और आपको पता नहीं कि स्मूथनिंग और रिबॉन्डिंग में क्या फ़र्क है। तो स्मूथनिंग में हल्का सा बाउंस बालों में रहता है, बट रिबॉन्डिंग में बिल्कुल भी नहीं रहता, और स्मूथनिंग हमें रिजल्ट देती है 50-60%। यानी कि हमारी रिबॉन्डिंग अगर 1 ईयर्स चल रही है और बिल्कुल फ्लैट लुक मिला हुआ है, स्मूथनिंग में वो रिज़ल्ट हमें नहीं मिलेगा। स्मूथनिंग में जैसे किसी के बहुत पतले बाल होते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि आप रिबॉन्डिंग ना करा के आप स्मूथनिंग करा लीजिए, क्योंकि अगर वो रिबॉन्डिंग कराएगी तो और ज़्यादा फ्लैट लुक हो जाएगा बालों का, अगर वो स्मूथनिंग कराएगी तो हल्का सा बाउंस रहेगा बालों में। तो ये फ़र्क होता है स्मूथनिंग और रिबॉन्डिंग में। और रिबॉन्डिंग में हम 2 बार प्रेसिंग का यूज़ करते हैं ताकि हमें 90% रिजल्ट मिले। रिबॉन्डिंग में एकदम फ्लैट लुक मिलता है और स्मूथनिंग में थोड़ा सा बाउंसी लुक मिलता है। स्ट्रेट तो बाल हो जाएंगे बट इतने स्ट्रेट नहीं होंगे, और स्मूथनिंग थोड़ा जल्दी ख़राब हो जाएगी, रिबॉन्डिंग थोड़ा लॉन्ग टाइम चलेगी। उसके बाद आ जाता है कैराटीन। कैराटीन एक तरह का ट्रीटमेंट है जिसका वीडियो मैं बिल्कुल अलग से बना। उसके बाद आ जाती है हमारी स्ट्रेटनिंग। स्ट्रेटनिंग भी हमारी बिल्कुल बालों को स्ट्रेट करने के लिए होती है, लेकिन वहाँ पर आ जाता है हमारा प्रोडक्ट का फ़र्क। अगर आप वेला के प्रोडक्ट लेके किसी को स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं, 3-5 मंथ रह जाएगी, लेकिन वहाँ पर आ जाता है हमारे बजट पे फ़र्क। वेला 450 का है, लॉरियल 2300 का है, ग्लैट 1200-1300 का है, तो आप डिफरेंस खुद दे सकते हो कि स्ट्रेटनिंग आ रही है। आपसे कोई कहता है मैम स्ट्रेटनिंग कर दीजिए मुझे, तो आप स्ट्रेटनिंग के लिए वेला की क्रीम यूज़ कर लेंगे और चार्ज कम ले लेंगे, तो उसमें उनकी स्ट्रेटनिंग हो जाएगी और टाइमिंग लिमिट भी 3-4 महीने रहेगी। तो ये होती है हमारी स्ट्रेटनिंग। और स्मूथनिंग आपको एक फ्लैट लुक नहीं देगी, बालों को स्मूथ और स्ट्रेट तो करेगी बट फ्लैट लुक नहीं देगी, और ये होती है हमारी स्मूथनिंग। और रिबॉन्डिंग, रिबॉन्डिंग हमारा एकदम फ्लैट लुक देगी, बालों में बहुत अच्छी शाइन भी करेगी, और वो बालों के बॉन्ड को ही तोड़ देती है, जो कि तोड़ती तो स्मूथनिंग में भी है, लेकिन उसमें हमें बिल्कुल फ्लैट लुक मिलता है। और अगर आपके बाल और उस वो काफ़ी लॉन्ग 1 ईयर चलती है और बिल्कुल फ्लैट लुक देती है, अगर आप चाहते हैं आपके बिल्कुल फ्लैट हो जाए पेंसिल जैसे, तो वो आपको रिबॉन्डिंग में मिलेंगे। आप चाहते हैं आपके बाल पतले हैं, थोड़े स्ट्रेट हो जाएं और अच्छे लगें, तो वो आप स्मूथनिंग करा लेंगे। और आप चाहते हैं कि मेरा बजट इतना नहीं है और मैं 3-4 महीने के लिए करा लूँ, तो आप स्ट्रेटनिंग करा लेंगे। तो और क्वेश्चन करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। नेक्स्ट चलेंगे हम अपने क्वेश्चन पे। स्मूथनिंग के कितने दिन बाद कैराटीन करानी चाहिए? इसमें सॉरी नाम नहीं है, बट जिसने भी क्वेश्चन किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। स्मूथनिंग के कितने दिन बाद कैराटीन? अगर आपकी स्मूथनिंग बिल्कुल ख़राब हो गई है तो आप कैराटीन ले सकते हैं, क्योंकि कैराटीन एक तरह का ट्रीटमेंट है जो कि हमारे बालों में प्रोटीन की कमी को पूरा करता है, तो आप करा सकते हैं। वो फ्लैट लुक तो मिलेगा लेकिन वो 3-5 मंथ ही काम करेगा, और वो हमारे जो हेयर डैमेज हो गए होते हैं या कोई कमी हो गई होती है हमारे हेयर में, प्रोटीन की कमी को पूरा करता है। रिबॉन्डिंग के बाद मेहंदी या डाई लगा सकते हैं? आप रिबॉन्डिंग के बाद मेहंदी ना ही लगाएं तो अच्छा है, क्योंकि मेहंदी हमारे बालों पे एक लेयर बना देती है जिसके बाद हमारे बालों पे कुछ भी अच्छा नहीं होता है। चाहे आप हाइलाइटिंग करा रहे हो, चाहे आप रिबॉन्डिंग करा रहे हो या स्ट्रेटनिंग, वो लुक आपको नहीं मिलता है मेहंदी के बालों पे, जो आपको कलर के बालों पे मिल जाएगा। तो ज़्यादा बेस्ट है कि आप कोई भी अच्छे ब्रांड का कलर यूज़ कर लें, चाहे वो टचअप के लिए कर रहे हैं या बालों में कर रहे हैं, तो आप वो कर सकते हैं, मेहंदी ना लगाएं तो ज़्यादा बेस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिबॉन्डिंग के बाद
रिबॉन्डिंग के बाद बाल कितने समय तक सीधे रहते हैं, ये है मीना जी आपका क्वेश्चन। मीना जी बहुत बहुत थैंक यू। तो इसके लिए रिबॉन्डिंग के बाद कितने दिन बाल सीधे रहते हैं, ये डिपेंड करता है आपके बालों के टेक्सचर पर। तो कई बार मैंने सुना है कि लोग बोलते हैं मेरे बाल खराब हो गए थे, ये हो गया था, वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अभी जस्ट मैंने पिछले जनवरी में अपनी एक क्लाइंट को रिबॉन्डिंग की थी, उनके बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर थे, तो अभी वो मुझसे 2 हफ्ते पहले ही करा के गए हैं। उनके बाल नीचे से बिल्कुल फ्लैट थे बट रूट्स एरिया से बिल्कुल कर्ली। तो अगर वो इस चीज़ को कहेंगे कि मेरे बाल ख़राब हो गए हैं तो ये गलत है, उनके बाल ख़राब नहीं हुए हैं। जो हमारे बालों पे हमने लेंथ पे किया था रिबॉन्डिंग फुल हेयर पे, वो बाल उनके बिल्कुल ठीक है, बॉन्ड टूटा हुआ है, लेकिन जो नेचुरली उनके रूट्स एरिया से आ रहे हैं तो वो बाल कर्ली ही आएंगे। तो आप सोच सकते हो कि 1.5 साल के अंदर कितने कर्ली हेयर उनके आए होंगे, इतनी लेंथ तक भी आए होंगे तो वो पूरी कर लोंगे और नीचे से स्ट्रेट। तो वहाँ पर आपको टाइम के बाद थोड़ा करवानी ही पड़ेगी, जिनके कर्ली हेयर है उनकी इतने टाइम बाद ख़राब हो ही जाएंगे, यानी कर्ल जो नेचुरल हेयर है वो आएगा जिसके कारण उनको ख़राब नज़र आएगा। तो ख़राब नहीं होता है, हमारे नेचुरल हेयर जैसे वैसे आएंगे और उनके कम टाइम चलेगी। लेकिन जिनके स्ट्रेट हेयर है, जैसा कि मेरा रूट्स एरिया से स्ट्रेट है और लेंथ से कर्ली है, तो मेरा कम से कम 2 या 2.5 साल आराम से चलेगा, क्योंकि मेरा रूट्स एरिया से जो स्ट्रेट हेयर है तो वो स्ट्रेट ही आएगा, कर्ल नहीं आएगा। लेकिन लेंथ हमारी बिल्कुल परमानेंट स्ट्रेट रहती है, लेंथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वहाँ का बॉन्ड टूट चुका होता है, हमारी ग्रोथ यहाँ से बढ़ती है, तो वो जो हमारी नेचुरल होती है वो वही आती है। तो मेरी रिबॉन्डिंग आराम से 2-2.5 साल आराम से चलेगी, वो ख़राब भी नहीं होगी क्योंकि अब मेरा हेयर रूट से स्ट्रेट है। तो जिनके हेयर बिल्कुल रूट से स्ट्रेट है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, स्ट्रेट हेयर है तो स्ट्रेट में स्ट्रेट मिक्स हो जाएंगे तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिनके कर्ली हेयर हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, मैं ये है मेरी क्लाइंट जिनकी मैंने पिछले जनवरी में की थी रिबॉन्डिंग। आप लेंथ एरिया देख सकते हो, बिल्कुल फ्लैट है बिल्कुल, और बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए हैं बाल, बिल्कुल वैसे के वैसे हैवी और अच्छे। लेकिन आप ऊपर आएंगे रूट्स एरिया में तो आप देख सकते हो कि इनके जो नेचुरल हेयर आए हैं वो बिल्कुल कर्ल आए हुए हैं, तो इसके कारण ऊपर बहुत ज़्यादा बाउंस हो गया है एकदम ये इस टाइप से। तो अब सेकेंड टाइम मैंने की है इनके हाफ बाल, तो ऐसी कंडीशन में आपको करवानी ही पड़ेगी, नीचे की लेंथ बिल्कुल स्ट्रेट रह जाएगी और ऊपर के जो हेयर निकल रहे हैं, नई ग्रोथ जो निकल रही है वो बहुत कर्ली निकलेगी क्योंकि उनके नेचुरल हेयर कर्ली हैं, तो वहाँ उनको प्रॉब्लम होती है, उन्हें करवानी पड़ती है अगर उन्हें वही लुक चाहिए तो, वरना तो बहुत बेकार लगता है, नीचे से बिल्कुल पतला ऊपर से बाउंसी सा लुक, तो ये होती है प्रॉब्लम उनको। तो उनको लगता है यार बार बार का खर्चा हो गया, या मुझे प्रॉब्लम हो रही है ऊपर से अच्छे नहीं लग रहे हैं नीचे से ऐसे, तो अगर वो कराना भी चाहते हैं तो बहुत टाइम कम से कम 1.5 या 2 साल बाद कराएं ताकि उनकी पूरी रिबॉन्डिंग की लेंथ हट जाए और उसके बाद वो करवा सके। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये है कंचन जी, आपने कंचन जी आपने किया है, कलर वाले बाल पर कौन सा क्रीम इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कलर वाले बाल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पड़ता है हमारे हेयर की ग्रोथ पे। अगर बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर है, वेवी हेयर है, तो हम वहाँ पे EX1 यूज़ कर लेते हैं, और हमारे नेचुरल कर्ली हेयर है जैसे कि मेरे हैं और नॉर्मल स्ट्रेट हेयर है तो वहाँ पर R1 यूज़ कर लेते हैं, मेहंदी से या उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बात है, अगर आपने कर्ल किया हुआ है तो कलर किया हुआ है तो रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा, या आपके वर्जन हेयर है तो भी अच्छा मिलेगा, बट आपने मेहंदी लगाई है और मेहंदी को 5-6 मंथ नहीं हुए हैं या 3 मंथ नहीं हुए हैं तो आपको वो बेस्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि हिना है हमारे हेयर पे एक कोटिंग कर देती है जो अंदर बॉन्ड तोड़ने में थोड़ा टाइम लगता है और प्रॉब्लम भी होता है, और हिना के पूरे मेहंदी के कलर को भी निकाल देता है प्रोडक्ट, तो वहाँ पर हमें थोड़ा कम रिजल्ट मिलता है। बट जो मैंने किया है ज़्यादा अच्छा है कि आप मेहंदी के बालों पे, थोड़ा हार्ड भी हो जाते हैं वो बाल, मैं आपको दिखाऊंगी मैंने मेहंदी के बालों पर भी किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम मेहंदी के बालों में रिबॉन्डिंग हो जाती है। मेहंदी के बालों में रिबॉन्डिंग बिल्कुल हो जाती है अगर आप उसे 5 या 6 मंथ का गैप दें या 3 मंथ का गैप दें, थोड़ा ताकि उनका कलर निकल चुका हो, लेकिन आपने अभी 15 दिन पहले मेहंदी लगाई है और आप रिबॉन्डिंग करा रहे हैं तो उस पर आपको बेस्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा, बाल थोड़े हार्ड भी हो जाएंगे और आपको रूखे रूखे से भी नज़र आएंगे। अगला क्वेश्चन है, बालों में तेल कितने टाइम पर लगाना चाहिए रिबॉन्डिंग के बाद। तो बालों में तेल आप 3 मंथ के बाद यूज़ कर सकते हैं, या आप तेल यूज़ नहीं करना चाहते तो आप हेयर स्पा
जरूर करें, थर्ड डे तो करें करें, उसके एक डेढ़ महीने पे या दो तीन महीने पे जरूर करें, क्योंकि आप, मैंने बहुत कमेंट पढ़े हैं कि मैम मेरे बाल ख़राब हो गए हैं या रफ़ हो गए हैं। तो हेयर स्पा बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें बालों को मॉइस्चर देना जरूर होता है। तो हम मॉइस्चर अगर हमने रिबॉन्डिंग नहीं कराए तो ऑयल के जरिए देते हैं, लेकिन अगर आपने रिबॉन्डिंग कराई है और हम ऑयल के लिए मना करते हैं तो आप हेयर स्पा के जरिए बालों को मॉइस्चर जरूर दें। तो हेयर स्पा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तेल अगर आप अपनी रिबॉन्डिंग को ख़त्म करना चाहते हैं या बालों में पोषण देना चाहते हैं तो 3 मंथ बाद कोई भी अच्छा सा ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन था नताशा का, सीरम को कितने टाइम लगाना सही होता है? सीरम को कितने टाइम की कोई लिमिट नहीं होती है। सीरम हमारे बालों में क्या काम करता है, अगर आपने रिबॉन्डिंग कराई है या नहीं भी कराई है, सीरम सभी के लिए बहुत अच्छा होता है। जो कि सीरम हम रूट्स पे अप्लाई नहीं करते हैं, हम अपने लेंथ एरिया पर अप्लाई करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि सूरज की किरणों के कारण हमारे बालों के दो मुँह फटने शुरू हो जाते हैं, या हमने स्मूथनिंग रिबॉन्डिंग कराई है, इतना हार्ड प्रोडक्ट लगता है हमारी लेंथ पे, तो वहाँ से भी अगर हमने उन्हें प्रोटेक्ट नहीं किया, हमें उन्हें केयर नहीं की, तो वो फटना शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए होता है सीरम, जो कि आप हेड वॉश करने के बाद 90% आपके हेड वो सूख जाता है और 10% गीला रहता है, तो आप सीरम जरूर अप्लाई करेंगे अपने पूरे इस एरिया से जहाँ से भी आपने कट दिया होता है और अपने लेंथ एरिया तक। वो आपके दो मुँह के बाल नहीं होने देगा और आप सूरज की किरणों से भी आपके बालों को बचा कर रखेगा और सिल्की और शाइन भी बनाएगा। तो सीरम को ऐसा ना सोचे कि कितना टाइम लगाना है या कब तक लगाना है, आप कैसे भी हेयर में सीरम लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। ये हो गया है, मैम रिबॉन्डिंग कर रहे हैं तो कितने साल चलेगी? शालू, ये आपका क्वेश्चन था, तो ये मैंने बता दिया, ये बालों के टेक्सचर पर डिपेंड करता है कि अगर स्ट्रेट हेयर है तो थोड़ा लॉन्ग टाइम चल जाएगी, बट कर्ली हेयर है तो रूट्स एरिया से आपके कर्ली ही आएंगे, तो हो सकता है कि आपको बेकार लगे नीचे के हेयर स्ट्रेट रहे और ऊपर के कर्ली, तो ये प्रॉब्लम तो आएगी। लोरियल और ग्लैट में क्या फ़र्क है? अंजना, ये कहले था, और सभी सब्सक्राइबर को बहुत बहुत थैंक यू क्वेश्चन आंसर के लिए, और कोई भी नाराज़ मत होना प्लीज़, सबको बहुत बहुत थैंक यू। तो लोरियल और ग्लैट में क्या फ़र्क है? लोरियल एक बहुत अच्छा ब्रांड है और ग्लैट भी है, श्वासकोफ का है ग्लैट, लेकिन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। ग्लैट थोड़ा थिक लगता है मुझे और लॉरियल थोड़ा सा पतला है, बहुत आसानी से फैल भी जाता है। और सबसे बड़ा फ़र्क है इनके प्राइस पर, लॉरियल की रेंज थोड़ी हाई है और ग्लेट की थोड़ी कम है, तो सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है इनकी रेंज पर। ग्लेट की 1100-1200 की है और लॉरियल की 2100-2200 तक की आपको पड़ जाएगी, तो काफ़ी फ़र्क है। ग्लेट और लॉरियल दोनों करती हूँ, रिजल्ट बहुत अच्छा है दोनों। जैसे इसका न्यूट्रलाइजर लॉरियल का बहुत पतला है, काफ़ी अच्छे तरीके से फैल जाता है और हमारा थोड़ा टाइम भी बच जाता है, तो दोनों आप कर सकते हो। अगर आपका बजट वहाँ पर है तो आप वो ले सकते हो, आपका बजट वहाँ पर है तो वो ले सकते हो। राशि, ये क्वेश्चन आपका था, रिबॉन्डिंग बेस्ट होती है या स्मूथनिंग? कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता रिबॉन्डिंग? अगर आपको बिल्कुल फ्लैट लुक चाहिए कि मुझे एकदम स्ट्रेट हेयर चाहिए तो आप रिबॉन्डिंग करा सकते हो, लेकिन आपके पतले बाल हैं और आपको चाहिए कि मुझे बिल्कुल भी फ्लैट लुक नहीं चाहिए, मेरे बाल बहुत पतले लगेंगे, मुझ पर जचेंगे नहीं, तो आप स्मूथनिंग करा सकते हो। दोनों में आपको रिजल्ट एक ही मिलेगा कि आपको फ्लैट लुक आएगा, लेकिन स्मूथनिंग में थोड़ा सा बाउंस रहते हैं हमारे बाल, बिल्कुल फ्लैट लुक नहीं मिलता है। और बेस्ट दोनों होती हैं, और उसके बाद कोई साइड इफेक्ट हमारे करने के ऊपर डिपेंड होता है। अगर हमने क्रीम को 25 से 30 मिनट छोड़ दिया है और वो बाल सेंसिटिव थे तो हमारे बाल वहीं से टूटना शुरू हो जाते हैं। मैंने देखा है बहुत कमेंट ऐसे हैं जो लड़कियां करती हैं मुझे कि मैम मैंने रिबॉन्डिंग कराई थी, मेरे बाल टूट गए हैं, ये हो सकती है ये सब, क्योंकि अगर मैं अपने आप करती हूँ रिबॉन्डिंग, मैं बिल्कुल टाइम को छोड़ के, उस चीज़ को छोड़ के कहीं इधर उधर नहीं जाती हूँ, लेकिन मैं उसको, मेरा एक काम रुक जाए बट मैं उस टाइम को बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि अगर मैंने प्रोडक्ट लगाया बालों पर और बालों ने उसको टाइम लिमिट पर नहीं देखा, नहीं चेक किया कि बॉन्ड टूट गया और वो 5 मिनट भी ऊपर नीचे हो गया, तो वहीं से जहां से हमने प्रोडक्ट लगाया था वहीं से बाल हमारे टूटना शुरू हो जाएंगे। जल भी जाते हैं, कई लोगों के बाल वहीं से बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और वो धीरे धीरे करके टूटना शुरू हो जाते हैं, तो ये होता होगा, बहुत क्लाइंट के साथ होता होगा। बट यही है कि अगर केमिकल लगा रहे हैं, या हम बार बार भी बोलते हैं अगर आप केमिकल लगा रहे हो तो इसको बिल्कुल आसान मत समझो, क्योंकि अगर आपने इसको छोड़ के, जैसे हम ब्लीच छोड़ देते हैं या फेशियल बीच में छोड़ देते हैं, कई बार हो जाता होगा आपसे भी और दूसरे काम में लग जाते हैं, बट ये प्रोडक्ट ऐसा है कि आपने लगा के इसको 1-2 मिनट ऊपर नीचे कर दिया तो आपके बाल वहीं से क्रैक होना शुरू हो जाएंगे, वहीं से जल जाएंगे।
तो ये होती है हमारे रिबॉन्डिंग के खतरनाक लक्षण कि भाई मेरी उसने ख़राब कर दिया वो, क्योंकि करने के टाइम उन्होंने ध्यान नहीं दिया और आपके 2 मिनट लेट हो गया, 5 मिनट लेट हो गया, आपका बॉन्ड टूटे हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो वहाँ पर ही नुकसान हो जाता है हमारे बालों का। वरना तो आप ध्यान से करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि मैंने अभी मेरी डॉटर ने भी कराई हुई, आपने देखे होंगे प्रिया की है पी डॉट प्रिया ब्यूटी सीक्रेट्स पे, 3-4 साल हो गए हैं, लेंथ भी बहुत अच्छी है, बढ़ रहे हैं। सिर्फ उस टाइम अगर हमने लापरवाही की है, हमारा प्रोडक्ट बालों पर ज़्यादा देर रह गया है, तो क्लाइंट को बहुत प्रॉब्लम होगी, उसके बाल 15 दिन बाद टूटना शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे बिल्कुल टूटते जाएंगे, यहीं से ही क्रैक हो जाते हैं जो हम 1 इंच की दूरी देते हैं। तो ये ध्यान रखना होता है करने वाले को, क्योंकि करवाने वाला तो आराम से बैठा होता है, उसे नहीं पता होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन करने वाले को ये पता चल जाता है कि उसने कहाँ पर गलतियाँ की है, कहाँ पर मिस्टेक हुई है। प्राइस क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्राइस तो होता है हमारे उस पर कि लेंथ के अकॉर्डिंग, अगर इतनी लेंथ है और बाल मेरे जितना ही हल्का है तो 3.5 में हो जाएगा, लेकिन इतनी ही लेंथ है और बाल काफ़ी कर्ली और हैवी है तो वहाँ पर हमारा प्राइस बढ़ जाएगा। आप प्रोडक्ट को कम लेके नहीं चल सकते, आप सोचेंगे मैं प्रोडक्ट बचा लूँ तो इसमें आपका ही नुकसान है, क्योंकि आपका टाइम भी ख़राब हो जाएगा और रिबॉन्डिंग का रिजल्ट भी नहीं आएगा। तो लेंथ के अकॉर्डिंग करते हैं, बालों के हैवीपन को देख के करते हैं कि बाल हैवी हैं या पतले हैं, उसके अकॉर्डिंग चार्ज करते हैं, 3.5, 4.5, 5, 7, 8। आपने देखा होगा नेचुरल ब्यूटी वर्ल्ड पे मैंने इतनी लिप्स लेंथ तक की वीडियो डाली थी, वो मैंने 9000 में की थी और आज भी मेरी क्लाइंट बहुत खुश है, 1 साल से ज़्यादा हो गया है उनकी रिबॉन्डिंग को और काफ़ी अच्छे हेयर हैं उनके। अगला क्वेश्चन है केराटिन क्या होता है और कैसे करते हैं, तो केराटिन का वीडियो मैं आपके लिए स्पेशली बना दूंगी कि केराटिन क्या होता है और कैसे करते हैं, कोशिश करूंगी आपके साथ ऐसी वीडियो बनाने की। नेक्स्ट है मैम, रिबॉन्डिंग से बाल स्मूथ करने के लिए क्या करते हैं। रिबॉन्डिंग के बाद चाहते हो कि आपके बाल स्मूथ और सिल्की रहें, बिल्कुल भी हार्ड ना हो, तो आपको हेयर स्पा बहुत ज़रूरी है टाइम टाइम पे करना, और उसके लिए आप ध्यान रखेंगे कि कभी भी गीले बालों को बांधेंगे नहीं, अगर लॉन्ग टाइम चलाना चाहते हैं तो पोंछ के, बिल्कुल ऐसे नहीं करेंगे कि आप उसको रगड़ के सुखा रहे हैं, और झाड़ेंगे भी नहीं, ड्रायर एकदम कूल ड्रायर करेंगे, कोई प्रेसिंग यूज़ नहीं करेंगे रिबॉन्डिंग के बाद, उससे आपके बाल और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि अगर आप चाहते हैं लॉन्ग टाइम चले तो हेयर स्पा लेंगे, अगर आप 1 मंथ में ले सकते हैं तो लेंगे, क्योंकि उससे बहुत अच्छे सिल्की हो जाएंगे आपके बाल और स्मूथ भी। और लॉरियल के कंडीशनर, लॉरियल का शैम्पू और सीरम वही यूज़ करेंगे जो कि आपके लिए अच्छा होगा, और बारिश के पानी से बचा के रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपाल जी आपका, थैंक यू क्वेश्चन करने के लिए, कि रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग का प्रोसीजर क्या होता है। स्मूथनिंग का प्रोसीजर रिबॉन्डिंग का सेम होता है, बट स्मूथनिंग में क्या करते हैं हम कि जो हम रिबॉन्डिंग में 2 बार प्रेसिंग करते हैं, स्मूथनिंग में हम उसे 1 बार हटा देते हैं। सेम वही प्रोडक्ट यूज़ होता है और वही सेम करने का तरीका होता है, तो यही फ़र्क होता है स्मूथनिंग और रिबॉन्डिंग में, उसमें हमारी कम मेहनत होती है। और अगर रूट स्ट्रचअप करना चाहते हैं तो आप 3rd डे भी कर सकते हैं, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम 1 इंच की दूरी से रिबॉन्डिंग का प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं या स्मूथनिंग का, तो रूट टचअप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 1 इंच छोड़ के करते हैं, तो आप साथ के साथ भी कर सकते हो रूट टचअप, या आप बाद में भी कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर, और बहुत अच्छे क्वेश्चन किए थे जिससे कि मुझे भी संतुष्टि हुई कि मैंने आपके साथ क्लियर कर दिया है। और आपके इससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आंसर है तो वो भी आप मुझे मेरी नेक्स्ट वीडियो में कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करें ताकि सब लोग मेरे वीडियो को देखें। और आपको चाहूँगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें, और ढेर सारे लाइक जरूर करें। और मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। प्लीज़ कोई नाराज़ मत होना अगर मैंने जिसका नाम नहीं लिया है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर वीडियो थी, मैं चाह रही थी कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो।